Good morning, students. Now I am going to start new chapter of SST, chapter 9, direction. Chapter 9, direction. Difficult words. Number 1, direction. D-I-R-E-C-T-I-O-N, direction. Number 2, east. E-A-S-T, east. Number 3, west. W-E-S-T, west. Number 4, north. N-O-R-T-H, north. Number 5, south. S-O-U-T-H, south. Number 6, halfway. H-A-L-F-W-A-Y, halfway. Next, answer the following questions. Question number 1. What is direction? Direction क्या चीज़ होती है? Direction को कहते हैं दिशा निर्देशन. Direction क्या होता है? Answer: A direction is the way in which a person or thing can move. Direction वह होता है जहाँ पर वह रास्ता होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु move करती है. कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति किसी दिशा में ही मूव करेगा. जब वो मूव करेगा तो वो कोई ना कोई दिशा होगी ही. इसी को डायरेक्शन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मेन डायरेक्शंस. मेन डायरेक्शंस के नाम हमें बताने हैं. आंसर: ईस्ट, पूरब, वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर एंड साउथ, दक्षिण. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द सन राइजेस एंड सेट्स. सन कहाँ पर राइज होता है, कहाँ पर उगता है और सेट्स कहाँ पर अस्त होता है. सूर्योदय कहाँ होता है और सूर्यास्त कहाँ होता है. द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट. सन हमेशा पूरब में मीन्स ईस्ट में उगता है एंड सेट्स इन द वेस्ट. और हमेशा पश्चिम में सूर्यास्त होता है या सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अपोजिट डायरेक्शंस. अपोजिट डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन फेसिंग ईच अदर आर कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शन. जो डायरेक्शन एक दूसरे के सामने एक दूसरे के फ्रंट पर होते हैं, एक का फेस दूसरे का फेस दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, इज कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शंस. व्हाट इज सब डायरेक्शंस. सब डायरेक्शंस क्या होता है. द डायरेक्शन हाफ वे बिटवीन द टू डायरेक्शंस इज नोन एज सब डायरेक्शन. द डायरेक्शन हाफ वे बिटवीन, सब डायरेक्शन वह होता है दो डायरेक्शन के बीच का जो हाफ वाला पार्ट होता है उसको सब डायरेक्शंस के नाम से जानते हैं.